संस्कार मेले के पांचवें संस्करण को मुरादाबाद में आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं भारत सरकार व भारतीय डाक विभाग का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोजगार प्रदान करने की दिशा में दूरदृष्टि का परिचय देते हुए 10 लाख से भी अधिक युवाओं को केंद्र के विभिन्न कार्यालयों में रोजगार देने की पहल की है। विशेष रूप से आज रोजगार मेले में जिन बच्चों को, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना टच देने के बाद आज उन्हें जो नियुक्त पत्र दिया जा रहा है, ऐसे सभी बच्चों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के इस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ करें। आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज ईमानदारी से नौकरी केवल काबिलियत से मिली है, केवल काबिलियत से मिली है। आपको बिना रुपया दिए हुए नौकरी मिली है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, आपके गांव का आदमी, आपके शहर का आदमी, आपके मोहल्ले का आदमी छोटे छोटे कामों के लिए भी रिश्वत देगा, उसकी मदद करना कि उसको रिश्वत ना देनी पड़े, ससम्मान उसका काम हो। अगर आप लोगों ने ये प्रयास कर लिया तो इस सरकार का ये प्रयास, आपके माँ बाप का जो ये पुण्य है और आपका जो ये पुण्य है जिससे आपको ये नौकरियाँ मिली है, आप ईमानदारी से उसके साथ अपनी नौकरी में अपने काम को अंजाम दें। आप सबको बुला तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की ओर से थैंक यू वेरी मच। आज मैं यूनिवर्सिटी है, मैं पहली बार आया हूँ यूनिवर्सिटी में, और देख के बहुत अच्छा लग रहा है। करीब 140 एकड़ में ये फील्ड में फैली हुई है और सब अलग अलग संख्याएँ हैं, चाहे मेडिकल से हो और चाहे डॉक्टर से हो, सारी चीज़ें हों, इंजीनियर से हो, सब में अलग अलग। और हमारे कुलपति जी बैठे हैं, जैन साहब जी, इनके साथ भी मैंने ऐसे घूमा है। बहुत अच्छा लगता है देख के, इतनी साफ़ सुथरी यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी तरीके से चल रही है, उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी के कुलपति जी को, उनके विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।